आप लोगों को स्क्रीन पर एक फोटो दिख रही होगी और आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि देश भर में इनकी चर्चा बनी हुई है। और चर्चा इसलिए बनी हुई है क्योंकि आप देखिए इन्हें जिस पार्टी ने राज्यपाल बनाया हुआ है और आप देखिए कि उसी की आलोचना कर रहे हैं, वही पार्टी इनके टारगेट पर बनी हुई है। और याद रखिए इनका इनका संबंध कई पार्टियों से रहा है और ये हमेशा सच बोलते रहे हैं, फिर चाहे कुछ भी होता हो। और आज के समय में तो आप देखते हैं कि सच बोलना कितना खतरनाक है। अगर आप किसी पार्टी के नेता हैं और पार्टी के या उसके नेताओं के बारे में कुछ सच बोल दीजिए या फिर उनकी आलोचना कर दीजिए आप, तो दूसरे दिन ही आप देखिए कि आपको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि आज के समय में पार्टी में रहते हुए जो राज्यपाल बनाया हुआ जिस पार्टी ने और उसके बारे में कुछ शब्द बोल देना बहुत बड़ी बात होती है। तो चलिए आज इनके बारे में हम लोग सत्यपाल मलिक के बारे में एक आपको सामान्य जानकारी दे देंगे, क्योंकि आजकल ऐसे लोग कम ही देखने को मिलेंगे जो कम से कम किस पार्टी में रहते हुए सच की आवाज उठाते हैं। तो स्क्रीन पर आप लोग देख लीजिएगा, इनकी फोटो भी आपको दिखाई दे रही होगी, देख सकते हैं आप लोग। ये है आपकी सत्यपाल मलिक और इन्हें आप लोग इनके बात करें तो इनका नाम सत्यपाल मलिक है और याद रखिए जाट समुदाय से आते हैं। पश्चिमी यूपी में आप देखते हैं ना जाट रहते हैं, और राकेश टिकैत देख लीजिए या जयंत चौधरी देख लीजिए, अजीत चौधरी देख लीजिए, चौधरी चरण सिंह देख लीजिए, एक तरह से उन्हीं जाटों में से ये भी आते हैं। इनके जन्मतिथि की बात करें तो 24 जुलाई 1946 को इनका जन्म होता है, यानी कि हमारे देश में इनका जन्म उस समय होता है जब हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे, हमारे ऊपर अंग्रेजों का राज था। और इनके जन्म स्थान की बात करें तो हिसावाड़ा संयुक्त प्रांत ब्रिटिश भारत, और संयुक्त प्रांत आप देखेंगे उत्तर प्रदेश को कहते थे, और ब्रिटिश भारत इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ब्रिटिश के अंडर में हमारा भारत आता था। एक बार आप लोग देख लीजिए उत्तर प्रदेश को, देखिए ये हमारा प्यारा भारत है और इसमें आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश आपको देखने को मिलेगा। ये है आपका उत्तर प्रदेश और इसकी राजधानी आप सभी को मालूम है कि लखनऊ हो गई, और राजनीति की दृष्टि से आप सभी को मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश बहुत खास स्थान रखता है। कहते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश को किसी ने अगर जीत लिया, अपने कब्जे में ले लिया, तो दिल्ली का रास्ता उसके लिए बहुत आसान हो जाता है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसे 24 जनवरी 1950 को राज्य बनाया गया था, और इसमें देखेंगे आप लोग लोकसभा सीटों की बात करें तो 80 सीटें देखने को मिलेगी, राज्यसभा सीटें 31 देखने को मिलेगी, और विधानसभा सीटें आपको 403 देखने को मिलेगी, और विधान परिषद भी है यहाँ, विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, तो 100 सीटें देखने को मिलेगी, विधान परिषद की 100 सीटें देखने को मिलेगी, ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, इनके पिता की अगर हम लोग बात करें तो बुद्ध सिंह इनके पिता का नाम और जगबीरी देवी इनकी माता का नाम, और हमसफर यानी कि पत्नी की बात करें तो इकबाल मलिक इनकी पत्नी का नाम है। और प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो एक गांव के इंटर कॉलेज से प्रारंभिक शिक्षा लेते हैं, उसके बाद एक कॉलेज की पढ़ाई मेरठ कॉलेज से करते हैं, और शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इन्होंने LLB यानी कि कानून की पढ़ाई की हुई है, BSc की हुई है, और संसदीय मामलों में डिप्लोमा भी इन्होंने किया हुआ है, और इसीलिए आप कह सकते हैं कि राजनीति के माहिर खिलाड़ी आप कह सकते हैं, ये भाप लेते हैं राजनीति जो भी मौसम हो। इनके अगर हम लोग शौक की बात करें तो पुस्तकें पढ़ना, संगीत सुनना, फोटोग्राफी करना, ये इनका सब शौक है। और व्यवसाय की बात करें तो आप सभी को मालूम है कि ये राजनेता है, क्या है, राजनेता है। राजनीतिक पार्टी की अगर अभी की बात करें हम लोग तो ये भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं, किससे, बीजेपी से संबंध रखते हैं। अन्य राजनीतिक दलों की बात करें तो इनका जुड़ाव अन्य राजनीतिक दलों से रहा है, भारतीय क्रांति दल से भी जुड़े रहे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से भी जुड़े हैं, जनता दल से, लोकदल से और समाजवादी पार्टी से भी इनका संबंध रहा है, यानी कि आप कह सकते हैं कि सभी पार्टियों में इन्होंने रह के देख लिया है। और इनकी अब बात आती है राजनीतिक सफर की, और मुझे लगता है किसी राजनेता के बारे में हम लोग जब भी बात करते हैं तो उसका राजनीतिक सफर ही देखकर हम लोग उसके बारे में जानने की दिलचस्पी रखते हैं। तो सत्यपाल मलिक ने पहली बार 1968 में छात्र संघ का चुनाव लड़ा और वह मेरठ कॉलेज के पहले अध्यक्ष चुने गए पहली बार। और एक बात आप लोग भी जानते हैं कि जब आप लोग कॉलेज में पढ़ाई करते हैं तो वह कॉलेज अध्यक्ष के लिए चुनाव होता है, उसमें आप भी उम्मीदवार के रूप में हो सकते हैं, अगर आपकी अच्छी पहुंच हुई तो आप भी चुनाव जीत सकते हैं। तो ये मेरठ कॉलेज से 2 बार छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, और अगर आप लोगों को राजनीति में जाना है
तो आप लोग इस तरह की छोटी छोटी काम कर सकते हैं। फिर आप देखेंगे 1974 में वह लोक दल में शामिल हो जाते हैं और 1974 में वह उत्तर प्रदेश की बागपत से भारतीय क्रांति दल के विधायक बनते हैं और जैसे आप लोग एमएलए भी कहते हैं। और आप सभी जानते हैं कि विधायकी का चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है। अगर आपको विधायक बनना है, चुनाव लड़ना है, तो आपकी एज 25 साल न्यूनतम होनी चाहिए। और वोटर की बात करें तो आप लोग अगर 18 साल के हो चुके होंगे तो मतदाता सूची में आपका नाम भी जुड़ चुका होगा और आप वोट भी डालने जाते होंगे। फिर आप देखेंगे 1984 में वो कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं और 1984 में वह राज्यसभा के सांसद बनते हैं। अब बात आती है राज्यसभा की, तो आपको बता दूं कि राज्यसभा का चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव आपके जो एमएलए होते हैं, विधायक होते हैं, इन्हीं के द्वारा किया जाता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। फिर आप देखेंगे कि 1987 में बोफोर्स घोटाले के कारण वो पार्टी से इस्तीफा दे देते हैं, तो पार्टी से इन्हें निकाला नहीं गया था, इन्होंने खुद इस्तीफा दे दिया था। 1988 में वह बीपी सिंह के नेतृत्व वाली भी जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं और 1989 में वह अलीगढ़ से सांसद बनते हैं, यानी कि लोकसभा सदस्य बनते हैं। और आप सभी को मालूम होगा कि लोकसभा सदस्य का डायरेक्ट चुनाव होता है जनता के द्वारा, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और लोकसभा सदस्य बनने के लिए आपको 25 साल न्यूनतम आयु होनी चाहिए आपकी। 1996 में वह समाजवादी पार्टी की तरफ से फिर चुनाव लड़ते हैं लेकिन वो हार जाते हैं, यानी कि मुलायम सिंह यादव की पार्टी में शामिल होते हैं और चुनाव लड़ते हैं लेकिन वो उन्हें हार का सामना करना पड़ता है। 2004 में वह भाजपा में शामिल हो जाते हैं, भाजपा की टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ते हैं लेकिन उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह से हार का सामना करना पड़ता है। और साल 2014 में भाजपा ने सत्यपाल मलिक को पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया था, तो पार्टी ने अच्छी जिम्मेदारी दी हुई थी, ठीक है, बीजेपी की बात कर रहा हूँ। फिर आप देखेंगे कि 2017 में और एक राज्यपालों की एक और बात बता देता हूँ आपको कि ये 2017 में बिहार के राज्यपाल बनाए गए और अधिकतर जिसकी केंद्र में सरकार होती है उसी के फेवर का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए, और आपने देखा होगा कि अधिकतर मामले में केंद्र सरकार का नेतृत्व भी करने लगते हैं, उनका पक्षपात भी करने लगते हैं, तो ये भी आप लोगों को ध्यान देना होगा। और पार्टी की अगर आपको कोई जिम्मेदारी दे रही है, आप पर एहसान कर रही है, तो आपको स्वाभाविक उसकी तरफ झुकाव दिखाना होगा। और इसीलिए आप देखते हैं कि केंद्र में जब भी सरकार बदलती है, दूसरी पार्टी की सत्ता आती है, तो सबसे पहले काम कौन होता है, राज्यपालों की नियुक्ति, उनके पहले वाले राज्यपालों को हटाया जाना। और बिहार की बात करें तो वैसे आप लोगों को मालूम होगा कि 26 जनवरी 1950 को बिहार को एक राज्य के रूप में दर्जा दिया गया था। अब आप कहेंगे बिहार के भी दर्शन करवा दीजिए, देखिए है बिहार, इसकी राजधानी पटना, और यहाँ आप देखेंगे कि लोकसभा सीटें 40 हैं, राज्यसभा सीटें 16 हैं और विधानसभा सीटें यहाँ 243 देखने को मिलेगी और विधान परिषद भी है, यहाँ विधान परिषद में आपको 75 सीटें देखने को मिलेगी। फिर आप देखेंगे 2018 में वह उड़ीसा के 2 महीने तक अंतरिम गवर्नर बनते हैं, कहाँ के, उड़ीसा के। अब आप कहेंगे कि उड़ीसा को भी आप लोगों को देखना है, क्या देखना है, उड़ीसा के भी दर्शन करना है, चलिए तो उड़ीसा को भी देख लीजिए आप लोग। देखिए, ये आपको देखने को मिलेगा उड़ीसा, और इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है भुवनेश्वर, क्या है, भुवनेश्वर। और इसके बारे में अगर हम बात करें तो आपको बता दूं कि इसकी स्थापना हुई थी, ये पहले से उड़ीसा बहुत पुराना राज्य रहा है, 1 अप्रैल 1936 को एक तरह से तब से ये नाम चला आ रहा है। लेकिन आपको एक और बात बता दूं यहाँ कि यहाँ राज्यसभा में आपको 10 सीटें देखने को मिलेगी, लोकसभा में 21 सीटें देखने को मिलेगी और विधानसभा में यहाँ 147 सीटें देखने को मिलेगी। और आप देखते होंगे कि नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अभी, और बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, बहुत अच्छा अच्छा काम करते हैं, और इसीलिए आप देखते हैं कि उनका सम्मान देश भर में किया जाता है। फिर आप देखेंगे 2018 में वह जम्मू कश्मीर के राज्यपाल बनते हैं, और एक बात बता दूं आप लोगों को, ये जम्मू कश्मीर आप लोगों को मालूम होगा कि अब 2 भागों में बट चुका है, इन्हीं के कार्यकाल के समय बटा था, एक तो आप देखते हैं लद्दाख हो गया और एक आपका जम्मू कश्मीर,
और लद्दाख में आप देखिए केंद्र शासित प्रदेश दोनों हैं, लेकिन दिल्ली की तरह जम्मू कश्मीर में आपकी विधानसभा भी होगी, ठीक है। फिर आप देखेंगे 2021 में सत्यपाल मलिक मेघालय के राज्यपाल हैं। अभी कहाँ के? मेघालय के। आप कहेंगे कि मेघालय के भी दर्शन करना है, तो देखिए आप लोग की आपका पूर्वी भारत का ये राज्य है मेघालय, देख रहा है? मेघालय बांग्लादेश से लगा हुआ है। इसी की बात करें, इसकी राजधानी की बात करें अगर आपसे, तो क्या है? सिलोंग, सिलोंग इसकी राजधानी होगी। और इसके राज्य बनने की बात करें तो 21 जनवरी 1972 को इसे राज्य बनाया गया था। यहाँ लोकसभा सीटें आपको दो देखने को मिलेगी, राज्यसभा सीट एक देखने को मिलेगी। और विधान परिषद में, विधानसभा की बात करें, विधान परिषद नहीं है, विधानसभा में आपको 60 सीटें देखने को मिलेगी। कितनी? 60 सीटें देखने को मिलेगी। एक उपलब्धि के कारण इनका नाम हमेशा इतिहास में दर्ज किया जाएगा। एक खासकर बता रहा हूं, वैसे तो इन्होंने हमेशा अच्छे अच्छे काम किए हुए हैं। तो आपको बता दूं कि सत्यपाल मलिक जब जम्मू कश्मीर से विशेष अधिकार कानून हटवाने में सक्रिय भूमिका में रहे। आप सभी लोगों को मालूम होगा कि पहले बीजेपी की और यहाँ की महबूबा मुफ्ती साहब की, एक तरह से आप देखेंगे इन दोनों की गठबंधन था, और एक तरह से यहाँ मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती थी। लेकिन आप लोगों ने एक ध्यान दिया होगा कि उन बीजेपी ने अपना एक तरह से जो सपोर्ट किए हुए थे उसे हटा लिया था, और सरकार गिर गई थी और राज्यपाल शासन लगा दिया गया था। और राज्यपाल शासन लगने के बाद ही आपने देखा होगा कि 370 और 35 ए हटाया गया था। और श्री मलिक जम्मू कश्मीर के एकमात्र ऐसे राज्यपाल रहे जिनके कार्यकाल में अनुच्छेद 370 और 35 ए हटाए। बेस इसके हटने से पहले भी वहां के राज्यपाल थे, और इस अनुच्छेद के हटने के बहुत समय बाद तक वे वहां के राज्यपाल भी रहे, कहाँ के? जम्मू कश्मीर के, ठीक है। अब देखिए इनके विवादित बयानों के कारण भी ये काफी चर्चा में रहे। तो देख लीजिए इनके विवादित बयान। तो पटना में कश्मीर से ज्यादा मर्डर होते हैं, एक इन्होंने इस तरह का बयान दे दिया था, इससे खलबली मच गई थी। तो ये तारीख थी 7 जनवरी 2019, तब सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। और इसी दिन सत्यपाल मलिक ने बयान दिया कि जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था किसी भी अन्य राज्य से अच्छी है, और उन्होंने जम्मू कश्मीर के लॉ एंड ऑर्डर की तुलना बिहार की राजधानी पटना से की थी। उन्होंने कहा कि पटना में एक दिन में जितनी हत्याएं हो जाती हैं उतनी हत्याएं कश्मीर में एक सप्ताह में भी होती हैं। तो इसके कारण भी ये काफी चर्चा में रहे थे। पत्का दुर्ग सिंह केस में भी इनका नाम काफी चर्चा में रहा। साल 2018 में तब बाड़मेर के पत्रकार दुर्ग सिंह राजपुरोहित को SCST केस में गिरफ्तार कर पटना में लाया गया था। तब ये चर्चा सरेआम थी कि दुर्ग सिंह को सतपाल मलिक की भतीजी से भिड़ना महंगा पड़ गया। तब इस पूरे प्रकरण में स्थानीय पत्रकार और सतपाल मलिक की भतीजी की विरोधियों ने ये आरोप लगाया था कि मलिक के प्रभाव का इस्तेमाल कर दुर्ग सिंह राजपुरोहित को फर्जी SC ST Act केस में फंसाया गया है। वो इस मामले में इतना तूल पकड़ लिया था कि सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जांच के आदेश भी देने पड़े थे। तो इनका नाम यहाँ से भी जुड़ा रहा है। देखिए किसान आंदोलन के समर्थक रहे, और आपको बता दूं कि इन्हें राजनीति में अगर किसी ने सबसे ज्यादा सपोर्ट किया है तो वो किसान है। और आप देखते हैं किसान इनकी बातों को काफी अच्छे से सुनते भी हैं और मानते भी हैं। और जिस बहुल क्षेत्र से ये आते हैं वहां सबसे ज्यादा किसान आपको देखने को मिलेगा। और यही आप लोग देख रहे होंगे कि एक लंबे समय से आंदोलन चल रहा है, और इसमें सबसे ज्यादा भागीदारी किसी की है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों की है। और जहां से आप देखते हैं राकेश टिकैत भी आते हैं, जो एक तरह से इस किसान आंदोलन का राष्ट्रीय चेहरा बन चुके हैं। सत्यपाल मलिक फिलहाल मेघालय के राज्यपाल हैं, और केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि यदि किसानों का प्रदर्शन जारी रहा तो वह अपने पद से इस्तीफा देकर उनके साथ खड़े होने के लिए तैयार है। और आप देख रहे हैं कि बीजेपी इनसे इस्तीफा नहीं ले रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि एक ईमानदार व्यक्ति को अगर आप हटाते हैं तो आपकी छवि में गिरावट देखी जाएगी। और मुझे लगता है कि सत्यपाल मलिक साहब भी एक तरह से राजनीति को भांप चुके हैं, कि उनकी वो जिस क्षेत्र से संबंध रखते हैं अगर उन किसानों के बारे में बात नहीं करते हैं, और देखिए बीजेपी की हालत गिरती जा रही है, तो उन्हें भी राजनीतिक एक तरह से नुकसान उठाना पड़ सकता है। सत्यपाल मलिक साहब को उन्हें जो सपोर्ट मिलता है वो भी हट सकता है, तो इसलिए मुझे लगता है कि वो इसका सपोर्ट भी कर रहे हैं। और देखिए इतना लंबा आंदोलन मुझे नहीं लगता है कि चलना चाहिए, देश की छवि के लिए भी नुकसान पहुंचाता है। और मुझे लगता है कि देखिए कई लोग कहते हैं कि कृषि कानूनों के फायदे भी हैं, चलिए मैं भी मानता हूं कि कुछ तो फायदे हैं,
लेकिन उन कृषि कानूनों को सही तरीके से लागू किया जाए तभी फायदे हैं, वरना नुकसान ही नुकसान है। और एक बात और याद रखिएगा, मैं वही कहता हूँ कि आप मान लीजिए किसी की पार्टी में गए हुए, किसी के यहाँ गए हुए और आप एक गिफ्ट ले गए और सामने वाले को वो गिफ्ट पसंद नहीं है, वो कह रहा है मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए, फिर भी आप जबरदस्ती कह रहे हैं कि लीजिए लीजिए लीजिए, तो वही हाल किसान आंदोलन में चल रहा है कि आप देखिए किसानों को उस कानूनों कृषि कानूनों की जरूरत नहीं है, वो मना कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बैठ कर एक बीच का रास्ता निकाल लेना चाहिए। ठीक है, झुंझुनू में किया बड़ा था। मलिक ने राजस्थान के झुंझुनू में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कश्मीर जाने के बाद मेरे सामने दो फाइलें मंजूरी के लिए आई थी, एक अंबानी और दूसरी आरएसएस से संबद्ध व्यक्ति की थी जो महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली तत्कालीन पीडीपी भाजपा सरकार में मंत्री थे। उनके प्रधानमंत्री के बहुत करीबी होने का दावा किया गया था और इसमें आप देखो उन्होंने कहा था कि दोनों विभागों के सचिव ने मुझे बताया था कि उनमें अनैतिक कामकाज जुड़ा हुआ है, लिहाजा दोनों सौदे रद्द कर दिए गए। सचिवों ने मुझसे कहा था कि आपको प्रत्येक फाइल को मंजूर देने के लिए 150 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में क्या हाल होगा, और आप लोग इससे ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जम्मू कश्मीर की बुरी स्थिति क्यों है कि एक राज्यपाल को अगर 300 करोड़ दिए जाते हैं, मुझे लगता है कि दूसरा कोई व्यक्ति होता वो रख लेता चुपचाप। लेकिन मैंने उससे कहा कि मैं 5 जोड़ी कुर्ता और पाजामा लेकर आया था और केवल उन्हें ही वापस लेकर जाऊंगा। उनके भाषण का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी देखा गया है, तो आप देख सकते हैं कि ईमानदारी कभी है। आप समझ सकते हैं जो भी जानते होंगे, मुझे लगता है इन्हें पर्सनल वो और अच्छे से इन्हें पहचानते होंगे, लेकिन मुझे लगा कि इस तरह के कोई व्यक्ति है तो उनके बारे में हमें बात तो करनी चाहिए, क्योंकि आजकल आप देखिए झूठों का तो पूरा शहर भरा पड़ा हुआ है, सच बोलने वाले कम ही आपको देखने को मिलेंगे। चलिए तो खैर, और कोई बचा हो तो बताइए, उसके बारे में भी हम लोग बात करते रहेंगे। वैसे देश भर के जो भी पॉलिटिशियन हैं, जो भी आपके राजनेता हैं, उनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। आप लोग एंजॉय करती है।